राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं सूर्य भगवान में जल चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं? पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तांबे के बर्तन में जल भर के सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः या सूर्याय नमः, सूर्याय नमः कहते हुए जल चढ़ाना चाहिए सबको। सूरज नहीं निकले इतने? नहीं निकले तो नहीं निकले, आप तो जल चढ़ाओ। वो नहीं दिख नहीं रहे हैं आपको, पर हैं तो। लोग बाग नु बोलते हैं सूरज नहीं निकला, फिर कैसे जल चढ़ाए? लोग तो अब कुछ भी बोलते हैं, सूर्य कहीं जाते नहीं है, वो तो बादल ढक लेते हैं ना, वो तो रहते ही हैं। चार बजे सुबह 4 बजे से आप जल चढ़ाना, सूर्य 4 बजे तो होते नहीं है, पर जल सवेरे 4 बजे चढ़ाना चाहिए, सुबह अर्घ देना चाहिए। सूर्य कभी अस्त नहीं होते, वो यहाँ नहीं कहीं हैं, ठीक है? गुरुजी मैं लड्डू गोपाल ले आई हूँ, आप उसके नाम रख दो। अभी रख देंगे अंदर, खुश रहिए। गुरुजी मैं तिलक निकालती हूँ ना, बच्चे तिलक निकालते हैं जब नुकर नाम धर देते हैं, नुकर तिलक निकालने से क्या होते हैं? अभी बताएंगे, अभी हम इस सब्जेक्ट में पहुँचेंगे अभी। हाँ, जय श्रीमन नारायण गुरुदेव जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने एक आध्यात्मिक चर्चा में बताया था कि सीता मैया के भाई हैं तिनका, तिनके को आपने बताया तिनका कि सीता भाई मैया है, भाई जी, है। हाँ जी, तो इसके ऊपर मेरे को समझाइए जरा आप। सीता माँ कहाँ से प्रकट हुई हैं? धरती से। धरती से, और तिनका कहाँ से प्रकट होता है? धरती से। तो वो भी धरती से हुई? हाँ जी। तिनके की माता भी पृथ्वी है? हाँ जी। और सीता की माता भी पृथ्वी है? हाँ जी। तो हो गए भाई बहन। हाँ जी हाँ जी। एक और सवाल है मेरा कि जैसे कृष्ण जी की शादी हुई राधा रानी से पहले हुई कि रुक्मणी से पहले हुई थी? राधा जी से। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी बेटा, राधे राधे। जय श्री नारायण गुरु जी। जी गुरु जी, मुझसे ये सवाल किसी ने पूछा था पर मैं उसका जवाब नहीं दे पाई, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। बोलो। कृष्ण जी का वंशज कौन है? कृष्ण जी किस वंश के हैं? यस, हाँ जी। भगवान तो यदुवंशी है ना? हाँ जी, यदुवंशी है। अच्छा, कौन सा वंश है भगवान का? यदुवंशी। मेरा दूसरा सवाल ये है गुरु जी की हमारे पास लड्डू गोपाल है, हम राधा रानी ले जाना चाहते हैं, तो ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। बोलो। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। अब आप लोग मेरे संग शरणागति कीजिए। जब तक शरणागति जीव नहीं करता तब तक भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। पुस्तिका अपनी गोद में रखो, जमीन में नहीं। हाथ जोड़ो मेरे संग, सभी लोग बोलो शरणागति। भाव ऐसा हो कि हम भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। भाव ये हो कि हम भगवान के चरणों में अपने आप को क्या कर रहे हैं? समर्पित कर रहे हैं। भाव बनाइए।